आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलेंगे कि इस्लामाबाद में गैस लोड शेडिंग के बाइस बासियाने शहर इक्तदार शदीद परेशानी से दो चार नजर आते हैं। लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो गया है, दूसरी जानिब घरेलू सार्फीन भी परेशान। तफसीलात जानते हैं शहराज अहमद शहराजी से। शहराज बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर इक्तदार शहर बेमिसाल में, और यहाँ पर भी गैस की लोड शेडिंग के बायस जो है शहरी को परेशानी का सामना है, और शहरी जो है वो लकड़ी खरीदने पर मजबूर है। लेकिन इस साल भी लकड़ी की कीमतों में जो है काफ़ी हद तक इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हूँ, उससे जानते हैं। अच्छा भैया, मुझे ये बताया कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितना इजाफा हुआ है लकड़ी की कीमतों में? पिछले साल दो तीन साल से पहले हमको मिलता था 250-200 रुपये मन पीछे से आता था, तो हम बेचते थे 500-450 में। तो आजकल 450-450 में हमको मिल रहे हैं, तो हम 600-700-800 तक बेच रहे हैं, क्योंकि अभी महंगाई बहुत हो गई है। तो क्या करें, इससे कम वारा ही नहीं खाता है। 400-450 अभी मिल रहे हैं, आप सोच करो अभी। जी बिल्कुल, शरीर का कहना है कि पिछले साल जो है हमें 400 से लेकर जो है 500 तक जो है लकड़ी फी में मिलती थी, लेकिन इस साल महंगाई में इजाफे के बाद जो है लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है, जिससे उनको शेयर मुश्किलात का सामना है।